फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट के लिए। तो आपने जो अभी देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो बहुत सारा फन फील्ड वीडियो है ये, तो ज़रूर से देखें। हम लोग अभी सुबह 7:30 बजे निकले थे, क्योंकि हमें कनकपुरा के और भी थोड़ा कनकपुरा से आउटसाइड था, वहाँ पर जाने का था, इसीलिए हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल गए। रास्ते में ही नाश्ता किया। तो चलिए आगे का व्लॉग करते हैं शुरू। हम जिस रिज़ॉर्ट के लिए जाने वाले हैं वो है स्काई ब्लू ऑर्किड रिज़ॉर्ट, जो कि बहुत ही अच्छा था। हम लोग ने एक्सप्लोर किया, तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। पहले तो हमने बेंगलुरु में ही नाश्ता कर लिया। हम लोग आए हैं आर्थनगर के विष्णु गार्डन में। हम लोग अभी नाश्ता कर जल्दी से निकल जाएंगे। हम लोग ने ब्रेकफास्ट का जो पैकेज है वो नहीं लिया था, क्योंकि देर हो जाती है, नाश्ते पर नहीं पहुंच पाते हम लोग, इसलिए यहीं पर नाश्ता कर लिया हमने थोड़ा। ये है यहाँ का मेन्यू विष्णु गार्डन का। अगर आप लोग अभी कभी आएंगे तो यहाँ पर सेट डोसा बहुत अच्छा मिलता है, एंड स्पेशली मसाला डोसा भी काफ़ी अच्छा मिलता है। हम लोग ने अभी लाइट ब्रेकफास्ट किया। मैंने लिया था इडली, रवा इडली। यहाँ की रवा इडली भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हम लोग ने हाफ एन आवर में जल्दी से नाश्ता वाश्ता कर लिया। अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो स्किप ना करें वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। हम लोग यशनपुर के रोड से जा रहे हैं। यहाँ से नाइस रोड ले लिया हमने वहाँ पर, एंड देन वहाँ से कनकपुरा रोड मिल गया। तो हम लोग ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक मेडिकल कॉलेज है, जो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने पहली बार देखा ये मेडिकल कॉलेज, एंड मे बी हॉस्पिटल भी है। काफ़ी अच्छी लगी तो शूट कर लिया मैंने। ये कनकपुरा जाने के रोड में पड़ती है कॉलेज, एंड हम लोग अभी आए हैं यहाँ पर। टोल मिला है, अराउंड 2 टोल्स मिले थे, एक था नाइस रोड वाला एंड और एक था। तो यहाँ से कनकपुरा जाएंगे, कनकपुरा से और भी थोड़ा आगे है रिजॉर्ट का लोकेशन। बंगलोर से अराउंड हमें पड़ा 80 किलोमीटर। वन डे ट्रिप के लिए काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली बेंगलुरु में भी कई सारे रिजॉर्ट हैं, लेकिन हम लोग ने वहाँ चूज़ किया क्योंकि हमें कुछ एक्सप्लोर करना था। तो नेक्स्ट अभी हम पहुँचने वाले हैं कनकपुरा में। उनका काफ़ी दिन से प्रोग्राम था, तो आज जाकर पूरा हुआ। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये कनकपुरा है। कनकपुरा से आगे जाएंगे हम लोग। हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, मैं, अब्बा, दीदी, भैया, बच्चे, हम लोग सारे जा रहे हैं हमारी इनोवा में। एंड थोड़ा सा रास्ता ऐसा लगता है, ये देखें ऐसे अंदर, थोड़ा कनकपुरा पार होने के बाद रोड कुछ ऐसा है। भैया ड्रोन भी लेके आए थे। हम इस वीडियो में आप बहुत सारे ड्रोन शॉट्स दिखने वाले हैं, काफ़ी अच्छा आया है ड्रोन शॉट्स। अभी यहाँ पर बोर्ड डाले हुए हैं स्काई ब्लू ऑर्किड रिजॉर्ट, 1.5 किलोमीटर बाकी है अभी। तो यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेंगे, आगे जाएंगे। तो
फाइनली जर्नी कंप्लीट हुई। यहाँ पर आगे जो दिखाई दे रहा है वो है रिजॉर्ट। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, पार्क करेंगे एंड देन अंदर जाएंगे रिजॉर्ट के अंदर। तो चलिए रिजॉर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो सारा कुछ दिखाने वाली हूँ मैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, स्टेइंग का भी काफ़ी फैसिलिटी है यहाँ पर। हमने प्री बुकिंग कराया था, सो नाउ वी आर एंटरिंग द रिजॉर्ट। एंटर होते ही आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, यहाँ पर फोटोज खिंचाने के लिए या फिर बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है एंड हम लोग ने यहाँ पर फोटो शूट किया। दीदी अभी बच्चों की रील बना रहे हैं। आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द रिजॉर्ट एंड राइट साइड में आपको रिसेप्शन मिलेगा। यहाँ पर वेटिंग एरिया भी है एंड ये लोग अभी टिकट लेने के लिए गए हैं। यहाँ जो जो सर्विसेस हैं वो भी बताती हूँ। यहाँ पर देखें पेंट बॉल है एंड यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक मसाज का भी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्पेशल डे भी मना सकते हैं। कैंडल लाइट डिनर का भी है, ये फैसिलिटी है इनके यहाँ। बर्थडेज भी मना सकते हैं एंड कैंपिंग का भी है और भी बहुत सारी सर्विसेस हैं, मैं आपको बताती हूँ फुल डिटेल में। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा। वेलकम ड्रिंक पाइनएप्पल का था, काफ़ी अच्छा था। मम्मी पाइनएप्पल जरूर चेयर्स करेंगे हमें। दिल खोल के करा। चेयर्स। अच्छा था। एंड दिस इज माय सिस्टर इन लॉ ज़ारा एंड सारा, उनकी डॉटर्स हैं मेरी नीस। तो हमारी टिकट हो गई, अभी ये लोग सबके हाथों में पैड्स डालेंगे, आधा हम अंदर जा सकेंगे। तो नाउ आई विल टेल यू द सर्विसेस। 1300 प्लस GST लगता है एंड आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, रेन डिस्को, साइकिलिंग, कॉमन एक्टिविटीज़, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, कायाकिंग, वो सारा कुछ मिलेगा। टीवी बाइक, डर्ट बाइक, पेंट बॉल एंड जिप लाइनिंग, रोप एक्टिविटीज़, वो सारा कुछ आपको पेमेंट कर खेलना पड़ेगा। सारे पेड सर्विसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडोर गेम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इंडोर गेम्स में आपको दिखाई दे रहा है टेबल टेनिस, स्नूकर है, यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर रेन डिस्को होता है, उसके आगे जाएंगे तो स्विमिंग पूल है। ट्रेन डिस्क तो शाम में है, उससे पहले और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ बाकी है एंड और भी इंडोर गेम्स हैं, कैरम है एंड पर भैया और ये सबको स्नूकर के लगे सिखा रहे हैं एंड हमारे बच्चे यहाँ पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। मैं पहली बार खेली थी स्नूकर, काफ़ी पसंद आया मेरे को। थोड़ी देर मैंने प्रैक्टिस की है। इसमें फूसबॉल भी है एंड ये चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, बच्चे काफ़ी यहाँ पर मज़े कर रहे हैं एंड हम लोग अपने मज़े कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड और भैया काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उन लोगों ने थोड़ा कुछ हमें भी सिखाया। तो
तो अभी हमारे इंडोर गेम्स खत्म हो गए, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी कायाकिंग के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने देखा टर्की बर्ड, यहाँ पर काफी सारे टर्की बर्ड्स हैं। एंड डग्स भी हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है रोप एक्टिविटीज़ का एरिया, जो कि हम लोग बाद में जाएंगे, एक्चुअली हमने नहीं किया, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कायाकिंग के लिए जाएंगे, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। एंड वहाँ पर भैया ने ड्रोन शॉट भी लिया जो काफ़ी अच्छा आया है, जो मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रोप एक्टिविटी है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, एक एक्टिविटी के लिए 300 रुपीस पड़ता है चार्जेबल पर पर्सन। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कायाकिंग। तो यहाँ पर पानी काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अभी रेन नहीं हुआ, इसलिए नहीं तो यहाँ ऊपर तक होता है पानी। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो, लाइफ जैकेट पहनकर हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी बोटिंग के लिए जाएंगे। वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ड्रोन शॉट आया है। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड एंड भैया ने ये किया, काफ़ी अच्छा चलाया उन लोग ने। चल।
तो हमारा काया किंग सारा कुछ हो गया। ये अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। ये रूम्स हैं यहाँ के, जो लोग स्टे करने वाले होते हैं वो यहीं पर रुकते हैं। जो लोग रात में स्टे करते हैं उनके लिए कैंपिंग फैसिलिटी भी है, तो ये कैंपिंग के लिए है। काफ़ी अच्छा बेड है, ये देखें, अंदर आराम से दो लोग आराम से सो सकते हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देती हूँ, ये देखें काफ़ी स्पेशियस है। तो अभी ज़ारा अंदर आपको बैठकर दिखा रही है, ये देखें काफ़ी अच्छी है। ज़ारा को काफ़ी पसंद आया, वो भी नेक्स्ट कैंपिंग करेगी। यहाँ पर जेंट्स लोग आए हुए हैं, ये एटीवी मोटरसाइकिल है एंड नाउ दिस इज़ डर्ट बाइक। यहाँ पर मामू भांजी कुछ कर रहे हैं। सारा को भी जाने का था पापा के साथ, तो इसलिए वो थोड़ी सी उदास है। ये जा रहे हैं एक्सपीरियंस। कैसा था एक्सपीरियंस? अभी आई हूँ रॉकेट इजेक्टर के पास, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है एंड काफ़ी सारा नर्वसनेस भी है। क्या अभी होता नहीं, कहीं सभी गिरते नहीं, ये पकड़ ले सकते हैं? हाँ ऐसा पकड़ पकड़े उन्हें बोलती रुको पूरा ओके मैडम, सी यू इन द नासा। वीडियो रेडी सर? हाँ रेडी सर, वीडियो गोइंग ऑन। रेडी होता चो होता चो एक ही चो कद कर लिया।
बहुत ही सोचो फियर कम हैप्पीनेस हो जाता है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। पहले तो एक शॉट में लगा कि शायद गिरने वाली हूँ या कुछ, बहुत डर गई थी, बट बाद में बहुत मज़ा आया मुझे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया। वाओ, बहुत दिनों बाद मुझे कुछ सर्टिफिकेट मिला है। तो ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं पार्टिसिपेट करने पर। वो आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज लंच का टाइम हो गया था, तो अभी हम लंच के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि रोप एक्टिविटी एंड जो मैंने खेला, वो एक्टिविटी सारा कुछ लंच के पहले ही कर लें, क्योंकि लंच के बाद हमारा प्लान था कि पूल में जाएंगे, पहले जो ड्राई एक्टिविटीज़ हैं सारा फिनिश करके देन हम वाटर में जाएंगे। अभी हम आ गए हैं यहाँ खाने की जगह। लंच का टाइम हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मेन्यू। तो यहाँ के मेन्यू में है पालक सूप। सबसे पहले तो पालक सूप उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया मेरे को। बाकी वेजिटेरियन काफ़ी अच्छा था। ये गोभी मंचूरी है एंड ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, बट वेज काफ़ी अच्छा था। ये भिंडी की ग्रेवी है, भिंडी की ग्रेवी भी बहुत पसंद आई मुझे। एंड कुलचा, यहाँ पर राइस है, यहाँ पर ग्रेवीज हैं, दाल है और दही है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अचार है। उसके बाद यहाँ पर सलाद भी है एंड नेक्स्ट पापड़ भी है। वेज खाना काफ़ी टेस्ट था ओके, बट नॉन वेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड यहाँ पर सेवियाँ भी हैं एंड देन इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नॉनवेज का काउंटर दिखेगा। नॉनवेज में बस उतना ही था, तो मेरी प्लेट अभी तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट अभी मैं खाने बैठूँगी, उसके बाद हम लोग पूल में जाएंगे रेडी होकर। तो मैंने आउटफिट पहन लिया है, हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। मेरे मामू देर
नोज बंद कर लेना। 1 2 3 हाँ रेडी। 1 नहीं नहीं गिफ्ट पीछे डाल कर। रेडी 1 डाउन डाउन स्टार्ट अप। 1 2 3 डाउन। बस रेडी 1 2 3 Thank you.
तो पूल से हम लोग बाहर आ चुके हैं, हम लोग ने चेंज कर लिया एंड देन हम अभी आए हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इवनिंग स्नैक्स में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग ने, काफ़ी सारा टाइम बिताया एंड देन थोड़ा सा मुझे सिर दर्द हो गया था। मुझे एक चीज़ ये देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्चुअली सांप का जो आउटर लेयर होता है वो लग रहा था। ये देखिए रियल में ये स्नेक का स्किन है जो निकालते हैं सांप। मैं तो देखकर काफ़ी डर गई, मे भी छोटे मोटे सांप होते होंगे। ओके, इवनिंग स्नैक्स में है ये मिर्ची है एंड देन मैरीगोल्ड बिस्किट है, चाय है, कॉफ़ी है, तो बस इतना ही। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा एंड ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर, तो आराम से आप लोग आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, अपने स्पेशल डे पर आ सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।